नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी बोर्ड कोलकाता के दोस्तों तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बहुत लेटेस्ट खबर है। चलिए इसके बारे में आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि आरआरबी जेई दोस्तों उसका जो पैनल था वो 31 जनवरी 2020 को, यानी पिछले महीने दोस्तों 31 तारीख को रिलीज किया गया था पैनल। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का नाम था और काफ़ी सारे स्टूडेंट का नाम नहीं भी था। तो फाइनली अब जो खबर आ रही है दोस्तों आगे, वो ये खबर आ रही है कि उस पैनल को विड्रॉ कर लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस दी गई है और विड्रॉ ऑफ पैनल डेटेड 31/1/2020, तो उस पैनल को वापस ले लिया गया। अब किस बेसिस पे लिया गया है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब उस तरह की बात हो गई ना, जिन कैंडिडेट्स का नाम आ गया था उसमें तो काफ़ी खुश हो गए होंगे, अब उसमें उस वापस नाम चले जाए, जब दोबारा आए उसमें उनका नाम ना हो तो कितना दुखी वाली बात होगी। सबको उन्होंने बता भी दिया होगा, फिर भी चलिए देखते हैं क्या है। ऑन पोस्ट इम्पैनलमेंट ऑडिट, ठीक है, ऑडिट मतलब कि जब पैनल का जो पैनल आपको रिलीज करने के बाद ऑडिट किया गया, यानी उसकी जाँच की गई, एरर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन B1 कैटेगरी इन प्लेस ऑफ A3 कैटेगरी वॉज डिटेक्टेड। क्या बोल रहा है कि एक एरर पाया गया, गलती पाई गई, किसमें? मेडिकल एग्जामिनेशन B1 कैटेगरी जो A3 के प्लेस पे हो गई, ठीक है, उसमें वॉज डिटेक्टेड इन फाइनलाइजेशन ऑफ द पैनल ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है B1 कैटेगरी और A3 कैटेगरी की। ठीक है, एरर पाया गया है B1 कैटेगरी का किसके जगह पे, A3 कैटेगरी के जगह पे। ठीक है, अब इसमें देखिए सारे पोस्ट लिए गए हैं, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मटेरियल असिस्टेंट, अगेंस्ट सेंट्रलाइज डिप्लॉयमेंट नंबर 3/2018। ठीक है, तो पैनल पब्लिश ऑन 31/1/2020 इज हेयर बाय विड्रॉन। तो क्या कर लिया जा रहा है, इसको विड्रॉ कर लिया जा रहा है, यानी वापस ले लिया जा रहा है, यानी जिनका नाम अभी था उसमें। तो आप अभी वेट कीजिए, अभी मतलब क्योंकि खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी विड्रॉ कर लिया गया, आपका नाम दोबारा आएगा नहीं आएगा वो टेंशन वाली बात है। खासकर उनके लिए टेंशन वाली है जिनका कैटेगरी जो था B1 या A3 है, तो उसी में हेरा फेरी हुई है। तो देखना पड़ेगा कि नया जो पैनल है वो कब आता है। ठीक है, जब भी आएगा तो उमंग स्टडी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। ये जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों 4 फरवरी 2020 के द्वारा, इसको मैंने शिक्षा न्यूज़ एक्सप्रेस में भी कवर किया था और चेयरमैन के द्वारा दोस्तों वेरीफाइड है। आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से मुझे ये मिला है। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrbkolkata.gov.in, इस पर जाकर आप डायरेक्टली कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको जानकारी पूर्वक रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों आप में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपका इस पैनल में नाम था या नहीं था। ठीक है, आप जरूर बताइएगा, अगर था भी तो भी बताइएगा, नहीं था तो भी बताइएगा, और नहीं था तो आपको किस कारण से लगता है कि नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो थे हमें कॉल कर रहे थे कि सर हमारा नहीं हो पाया, पैनल में नाम नहीं आया है, तो हमें वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें डर लग रहा है, हमें बहुत टेंशन लग रहा है। तो प्लीज़ आप सबको बताइएगा, क्योंकि अभी तो कुछ दिन के लिए तो वेट लग गई है आपके टेंशन के ऊपर, क्योंकि जब तक अब नया पैनल नहीं आ जाता उसमें मतलब कि आप लोग देखना पड़ेगा कि आप लोग का नाम है या कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं देखनी पड़ेगी। और कोई टेंशन हो तो आप आरआरबी कोलकाता से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, उनको बताओ, अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन थे, सही थे, आपका सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी आपका पैनल में नाम नहीं आया है। अब देखना पड़ेगा कि कितने पैनल आते हैं इसके टोटल। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।